हेयरबैंड लगा के ना मैं ट्राई कर रही थी। अभी हम जल्दी से रेडी होते हैं और रेडी होके मिलते हैं और फिर बाकी बातें जो है बाद में करते हैं और बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये तैयारी शुरू हो गई है रेडी होने की, तो चले रेडी होते हैं, आपको मिलते हैं। वली बहुत क्रैंकी हो गया था, तो मैंने कहा चलो वली को रेडी करती हूँ। वली की ये है डांगरी, आई गेस इसको डांगरी कहते हैं, तो ये शॉर्ट्स वाली डांगरी है। और साथ मैं ये पहना रही हूँ वली को, इसका बॉडी सूट टाइप ही है, शर्ट बनी हुई है, पोलो शर्ट। ये दोनों मैंने ओल्ड नेवी से ली थी। और वैसे बहरहाल ये थोड़ा सा मेरा लुक है, मैं कुछ ऐसे रेडी हो रही हूँ, अभी रेडी हो रही हूँ, बट वली बीच में हो रहा है, तो मुझे हो रहा है कि मैं उसको रेडी शेडी करके ना तो उसको सुला देती हूँ, फिर आराम से रेडी हो जाऊँगी। ये है जी मेरी एंड वली की लुक। हमेशा की तरह पीछे गंद इग्नोर करें प्लीज़, मैं नीचे चक्कर नहीं लगा था इसलिए गंद देखा नहीं मैंने। चले जी सफ़र अपना करते हैं शुरू। और रास्ता बहुत प्यारा है, ये जो मतलब आएगा ना मिल्टन से पेरिस तक की ड्राइव है वो बहुत प्यारी ड्राइव है। तो मेरा लिटरली दिल कर रहा था मैं जगह जगह इस तरह रिकॉर्डिंग करती जाऊँ। तो ये देखिए यहाँ पे उस साइड पे बारिश भी हो रही है, तो चलें उनके घर चलते हैं और फिर जल्दी से आपको मिलते हैं। फाइनली जी हम आए हैं मेरे कज़न की बर्थडे पे। ये बाहिम जो मामा की गोद में है ना, इसकी बर्थडे है। और ये सेटअप वगैरह साथ साथ हो रहा है, वली को मैंने स्क्रीन को पकाया, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी इनकी पूरी फैमिली की जो है ना सारे छोटा सा व्लॉग भी बना लूँ और इन सब की वीडियोज़ भी बना लूँ। ये देखें जी डिनर लगने की हो गई हैं तैयारियां श्यारियां। डिनर में आज सारा है चाइनीज़। ये जो आगे इन्होंने प्लेट्स पे नाम लिखे हैं ना, ये बहुत एडोरेबल सी चीज़ है। और ये सब एक्साइटेड हो रहे थे कि हमें भी व्लॉग में ले लेना, तो सब फैमिली से पूछना पड़ता है व्लॉग बनाने से पहले कि वो आना चाहते हैं कि नहीं, तो इनको कोई इशू नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो साथ साथ एक छोटा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ कि बर्थडे पार्टी कैसी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने लगे हैं, ड्रिंक्स वगैरह डिस्पोजेबल प्लेट्स थे, जब इतनी गैदरिंग हो जाए ना तो फिर ये अच्छा ही बेस्ट तरीका रहता है कि आप डिस्पोजेबल सारा कुछ कर लो। रखे हुए हैं जी गूदी बैग्स वगैरह और ये बच्चों के लिए साथ पॉपकॉर्न्स भी हैं ट्रीट वगैरह के तौर पर। सो यहाँ पे हो रही थी बर्थडे और अंदर लगा हुआ है खाना शाना। ये बच्चों के लिए जंपिंग कैसल इन्होंने अरेंज करवाया हुआ और ये सारा भी यहाँ पे सेटअप था पूरा। अब सारे अंदर बैठ के खाना शाना खा रहे हैं और यहाँ से लेके बिकॉज ऊपर जो है ना बारिश का मौसम बना हुआ था, तो डर था कि बारिश ना हो जाए इससे पहले हम केक शेक कट करके तो अंदर भागने की करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये 2 साल का हो गया मेरे कज़न का बेटा, हम बर्थडे पार्टी पर आए हुए हैं। और मौसम देखें, मौसम भी बहुत प्यारा हुआ हुआ है, फुल बारिश वाला सीन बना हुआ है। क्योंकि ना यही एक्साइटमेंट पार्ट होती है बर्थडे पार्टीज की, गुडी बैग्स पॉपकॉर्न्स वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें जो उनको कलेक्ट करनी होती हैं। तो सबको बहुत जगह ये रहा वली का गुडी बैग, वली की ये जब से वो पैदा हुआ माशाल्लाह ये उसका दूसरा गुडी बैग है, लेकिन हम सेकेंड बर्थडे पे गए और ये वली का दूसरा गुडी बैग है। थैंक यू सो मच बाहिम, और सबको बाहिम गुडी बैग्स भी दे रहे हैं। और अभी हम गिफ्ट भी ओपन करते हैं, चलें गिफ्ट भी ओपन करते हैं। ये रहा जी वली का, मैंने कहा जूम करके दिखाऊँ, वली का गुडी बैग भी था, उस पर वली का नाम भी था। और ऐसे सारे बच्चों को गुडी बैग्स मिल रहे हैं उनके टर्न बाय टर्न। अब करते हैं जी गिफ्ट ओपनिंग का टाइम बच्चों के लिए। मैं जब लिटरली छोटी थी ना मेरा तो फेवरेट पार्ट होता था कि गिफ्ट्स वगैरह खोले हैं, तो ये सब बच्चों के लिए भी एक्साइटमेंट हो गई, तो सबने साथ मिल के गिफ्ट्स खोले, उसके पापा हिम ने सबको हग किया। आई गेस वो वीडियो में नहीं आया बट वो बहुत एडोरेबल पार्ट था कि बाहिम ने जाके सबको थैंक यू के तौर पे अपना हक दिया था, तो विच इज़ वेरी क्यूट। माशाल्लाह बाहिम 2 साल का हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया, मीठा भी खा लिया। मीठे का व्लॉग नहीं बना सकी, हमने कपकेक्स एंड केक खाया था मीठे में, तो चले बस निकलते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया फ्राइज, साथ कॉफ़ी ले ली और बस की वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, होके आएंगे तो बस यहाँ पे निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम वापस आ गए हैं
तो वली वगैरह को सुला दिया। अब जल्दी से बैक टू नॉर्मल आते हैं, अपना उतारते हैं मेकअप। और बाय द वे ये जो है ना कि इस तरह इसलिए ख़राब हो गया बिकॉज़ ये मेरा प्लेन में लीक हो गया था बैग में। तो एनीवे शुक्र है सारा नहीं वेस्ट हुआ, इतना सा निकल गया वेस्ट हो गया, इतना सा चले कोई बात नहीं। अभी जल्दी से मेकअप उतारते हैं और फिर हम भी सोने की तैयारी करते हैं और आपको सुबह उठ के मिलते हैं।